हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास टेंथ टूडेज बी एक्सप्लेन शार्ट नोट्स ऑफ द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, जो इम्पॉर्टेंट टर्म है, उसको शार्ट नोट में प्रोवाइड करेंगे, जिसको वन बाय वंस हम वीडियो को शो करेंगे, जिससे आप पास करके इसको आप रीड करेंगे और उसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा आप कमेंट करेंगे, उसका आंसर हम प्रोवाइड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वन बाय वंस। कार्बन इज ए वर्सटाइल एलिमेंट्स, स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट्स है। इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज 0.02% एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। अर्थ क्रस्ट में कार्बन जो है 0.02% है और यह जो है कि मिनरल फॉर्म मिलता है। एटमॉस्फियर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फियर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड, स्टूडेंट जो लिविंग है वो कार्बन बेस्ड है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों का जो बॉडी सेल्स है, मेम्ब्रेन्स है, यह जो है कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना है। तो प्रोटीन्स में देखेंगे तो आपको कार्बन मिलेगा, लिपिड्स में भी कार्बन की अमाउंट कुछ अधिक होती है, सेम कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बन पाया जाता है। इसका मीन्स है कि जो लिविंग थिंग्स हो, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उस समय कार्बन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है कोवेलेंट नेचर ऑफ कार्बन। कोवेलेंट नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का कोवेलेंट नेचर, तो पॉइंट वाइज वन बाय वंस। नंबर फर्स्ट, कार्बन का नेचर कोवेलेंट होता है, तो फर्स्ट पॉइंट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इट इज डिफिकल्ट दस फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू आइदर गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाई शेयरिंग इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट हम रीड कर रहे हैं ऑलरेडी, इसको हमने अपने वीडियो लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको पास करके वन बाय वन देखेंगे, क्योंकि एक शार्ट नोट्स है और दैट इज इम्पॉर्टेंस है, और जिसमें जितने भी इसमें लाइनिंग आपको दी गई दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट्स। तो आप इस वीडियो को पास करके रीड करेंगे। Gracias.
तो स्टूडेंट्स, इस तरह से चैप्टर कार्बाइड्स कंपाउंड्स के जो टर्म सेकेंड्स का सिलेबस है उसका शार्ट नोट्स हमने प्रोवाइड कर दिया। इसको आप वन बाय वन करके आप इसको रीड करेंगे। और इसको हमने इस वीडियो में जो है यह सिंबॉलिक फार्म में ये वीडियो हमने आपको दिया है, और इसमें जितने पॉइंट्स है ऑलरेडी इसका हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। सो थैंक्स।